जो बजट का सेशन है उसके लिए सभी जो मुद्दे हैं, जो हमारे पास प्रदेश में जो जो हमारे पास लोगों ने उम्मीद करी है और जो जो प्रदेश में इस वक्त ज्वलंत इश्यूज चल रहे हैं उसके बारे में सभी चर्चा करी और आने वाले उसमें एडजमेंट मोशन, स्थगन प्रस्ताव, अल्प अवधि चर्चा और ध्यानाकर्षण प्रस्ताव जो है उन पे चर्चा हुई है और उन पे विधानसभा में उनको फाइनल करके उनको करके तैयार करके उनको देने का भी आज यहाँ हुआ है और सभी मुद्दों पे विचार विमर्श होके गहनता से उसमें हुई है। पंचायत की सरपंचों में जो ई टेंडरिंग और के खिलाफ जो पूरे हरियाणा में सरपंच धरना दे रहे हैं उसके लिए भी हमने स्थगन प्रस्ताव जो है उसको बना के उसको पेश करने जा रहे हैं। इसी तरीके से हरियाणा में बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था, इस समय जो है हरियाणा अपनी कानून व्यवस्था की वजह से होम मिनिस्ट्री की जो रिपोर्ट आई है ताज़ा रिपोर्ट उसमें 72 जिनमें कानून व्यवस्था है उसमें हरियाणा शामिल हो गया है, तो उसके लिए भी हमने स्थगन प्रस्ताव जो है पेश कर रहे हैं। और इसी के साथ साथ हरियाणा जो खेलों में कभी जाना जाता था और खेलों में भी अभी हाल ही में खेलो इंडिया जो कार्यक्रम हुआ है मध्य प्रदेश, उसमें भी हरियाणा अपनी स्थान जो हमेशा पहले होता था उस पर दूसरे स्थान पे पहुंच गया। तो खेलों में जिस तरीके से उनके कोचिज के साथ प्लेयरों के साथ जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है उसके लिए भी अल्प अवधि चर्चा के लिए हम जो है प्रस्ताव अपना दे रहे हैं। इसी तरीके से रिहायशी इलाकों में जिस तरीके से जो जोर पड़ रहा है ना वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर है और उसके बावजूद भी मंजिलों को बढ़ाने की परमिशन दी जा रही है, उससे शहरों का जो जोर पड़ रहा है शहरों पे जो बना हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर है चाहे वो पार्किंग का है चाहे बिजली पानी का है सीवरेज का है वो बिगड़ता जा रहा है उसमें उसको भी हमने दिया है। इसी तरीके से ध्यानाकर्षण प्रस्ताव चाहे परिवार पहचान पत्र हो चाहे हरियाणा में बढ़ती हुई बेरोजगारी लगातार बढ़ती जा रही है उसके ऊपर हो चाहे अवैध खनन जो है फिर से सुर्खियों में आ रहा है, अब खनन जो है पहाड़ों में ना होके खेतों में से जो हो रहा है उसके ऊपर जो अभी पीछे घटना करनाल में हुई है वो आपके सामने है। इसी तरीके से चाहे ओल्ड पेंशन स्कीम की बात हो, बढ़ता हुआ हरियाणा में जो नशाखोरी है उसके ऊपर चिंता करी गई और इसी तरीके से शिक्षा का जो निजीकरण है बड़ी भारी जो है सरकार का जोर है कि सरकारी तंत्र को ख़त्म करके स्कूलों को बंद करके और निजी क्षेत्र में को बढ़ावा दिया जाए उसके विरुद्ध भी हम अपना ध्यानाकर्षण प्रस्ताव ला रहे हैं। इसी तरीके से संदीप सिंह मामले में जब उन्हें अपनी पार्टी की बैठकों में नहीं बुलाया जाता तो उसमें मंत्री पद पर रहने दिया जाता है तो उसका भी हम पहले भी विरोध कर रहे हैं और आगे भी विधानसभा सत्र में भी सरकार से कहेंगे कि मंत्रिमंडल से उन्हें बर्खास्त किया जाए और उनको जो है पद पर रहने का कोई नैतिक अधिकार तो है ही नहीं। लेकिन अब जो नैतिक अधिकार की बात करें मुख्यमंत्री से भी कहने के बाद भी मुख्यमंत्री स्वयं लगता है कि उन्हें कहीं ना कहीं क्लीन चिट देते हैं तो हम बिल्कुल मांग करेंगे कि सरकार में रह के निष्पक्ष जांच की उम्मीद नहीं करी जा सकती। नहीं, हम तो उनकी बर्खास्तगी की मांग करेंगे।